अंडे निकाल लिए हैं। चल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ अंडे का हलवा, बहुत ही मज़े का, क्विक और बहुत ही हेल्दी, क्योंकि देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ और देसी घी। ये सर्दियों में तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में अगर आप बनाएं तो इसे फ्रिज में रखते हैं, ठंडा ठंडा ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके लिए हम लेंगे 5 से 7 दाने छोटे इलायची के, 1 कप दूध लेंगे, चीनी लेंगे, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट 2 खाने के चम्मच सूजी, ये सूजी है लेंगे, और 1 दर्जन अंडे, 2 से 3 खाने के चम्मच हम देसी घी लेंगे। देसी अंडे भी मैं देसी यूज़ कर रही हूँ और घी भी देसी यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम फ्लेम करेंगे ऑन, एक पैन लिया मैंने, उसमें मैंने 5 छोटी इलायची खोल के उनके मुँह और डाली हैं, और इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी डाले, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा हलवा हेल्दी हेल्दी बने। हमारी इलायचियों से खुशबू आना शुरू हो गई है, तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, उसे भून लेंगे। हमारी सूजी भून गई है, इसका कलर देख लें आप, ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन। अब इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे, साथ ही हम 1/2 कप शुगर का ऐड करें। आप मज़े से अगर कम या ज़्यादा चीनी कर सकती हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मेल्ट हो जाए चीनी। जी ये देखिए, अब सूजी ने पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया और हमारा घी तकरीबन निकल आया, तो अब इसमें हम आटे ऐड करेंगे, बहुत ही क्विक और जल्दी रेडी होने वाला मज़ेदार डिज़र्ट। चले अब हम एक एक करके अंडे इसमें ऐड करते हैं। थोड़े थोड़े अंडे हम डालते जाएंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि एक ही जगह अंडे इकट्ठे ना, और अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे। इस तरह करके हम सारे अंडे डाल देंगे। जी अब इसकी देखें शक्ल, सारे अंडे मैंने ऐड कर लिए इसमें, 1 दर्जन अंडे थे मेरे। अब इसे थोड़ी देर हम और पका लेंगे ताकि कोई एक आध अंडा कच्चा ना रह जाए जो आखिर में डाले थे, और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारे हलवे ने भी पेंदे छोड़ने शुरू कर दिए और बहुत अच्छे से हो गए इसमें अंडे। हम इसको डिश आउट करते हैं, अपना चूल्हा करते हैं बंद। हमारा हलवा रेडी हो गया। आप इस टाइम पे आप गार्निश भी कर लें, इसके ऊपर कुछ छिड़क लें जो भी आप पसंद करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, बादाम या मूंगफली, बड़ी अच्छी लगती है। इसे टेस्ट करते हैं, बहुत ही यम्मी, सबसे बड़ी गई कि ये हेल्दी, क्योंकि देसी अंडे और देसी घी से बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।